दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज शुगर वाले भाई बहनों के लिए बहुत जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ। शुगर के कारण कमजोरी और दुर्बलता को दूर करने का घरेलू उपाय लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, शुगर के कारण अक्सर दुर्बलता और कमजोरी आ जाती है, क्योंकि शुगर में हम फ्रेज का खाते हैं। हमारे शरीर को अगर 350 कैलोरी चाहिए तो भी हम उससे कम ही खाते हैं, क्योंकि हमें डर बना रहता कहीं शुगर ना बढ़ जाए। इसका परिणाम यह होता है कि शुगर वालों के शरीर में कमजोरी और दुर्बलता आ जाती है। कमजोरी और दुर्बलता के कारण शरीर में काम करने की क्षमता कम हो जाती है। साथ ही कमजोरी के कारण हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। और अगर शुगर वाले कमजोरी और दुर्बलता को दूर करने का उपाय करते हैं तो उससे उनकी शुगर बढ़ जाती है। इसीलिए शुगर वाले कमजोरी और दुर्बलता को दूर करने का कोई उपाय नहीं करते। आज मैं ऐसा घरेलू उपाय लेकर आई हूँ जिससे शुगर वालों की कमजोरी और दुर्बलता दूर होगी और उनकी शुगर भी नहीं बढ़ेगी। यह उपाय कई भाई बहनों ने आजमाया है। इस उपाय से उनकी शुगर बिल्कुल भी नहीं बढ़ी और उनके शरीर की कमजोरी और दुर्बलता भी दूर हो गई। आज यही उपाय बताने से पहले तमाम शुगर वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ, सैर जरूर करें। 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि यह ज़िंदगी बहुत अनमोल है। आइए जानते हैं कमजोरी और दुर्बलता को दूर करने का घरेलू उपाय जिससे शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगा और शरीर की कमजोरी और दुर्बलता भी दूर हो जाएगी। अब सबसे पहले इसके लिए सामग्री जान लेते हैं। ये देखिए, 50 ग्राम मगज, 50 ग्राम गूंद, 50 ग्राम सूंठ पिसी हुई, 50 ग्राम कमरकस, 500 ग्राम भुने हुए चने जो बिना छिलके वाले, और यह 50 ग्राम फूल मखाने, और यह 250 ग्राम बादाम, और यह 250 ग्राम देसी घी जो गाय का। और ध्यान रहे, गाय का ही घी लेना है, क्योंकि गाय का घी हल्का होता है। शुगर वाले घी खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। जब शरीर में कमजोरी और दुर्बलता हो तो आप इसे खा सकते हैं। इस औषधि को बनाने के लिए सबसे पहले चने पीस लेते हैं। चने शुगर वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अब एक मिक्सी का जार लेते हैं और ये थोड़े थोड़े करके डालते हैं, दो तीन बार में पीसने, क्योंकि चने ज़्यादा हैं। अब इनका पाउडर बना लेते हैं। अब ये देखिए मिक्सी ऑन करते हैं और ये देखिए ऐसे ही सारे चने पीस लेने हैं। और ध्यान रहे, चने 500 ग्राम ही लेने हैं। ऐसे ये देखिए सारे पीस लेने, और ये देखिए चने का पाउडर बनाने के बाद इसको बिल्कुल नहीं छानना। ये देखिए, अब बादाम का पाउडर बनाते हैं। इस औषधि को बनाने के लिए ये देखिए बादाम का पाउडर बिल्कुल तैयार है। और ध्यान रहे, बादाम 250 ग्राम ही लेने हैं। अब ये देखिए, इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और ये 250 ग्राम गाय का घी, इसको हम कढ़ाई में डालते हैं और इसको एकदम लाल कर लेते हैं। बिल्कुल लाल करना है। ये देखिए हमारा घी एकदम लाल हो चुका है। अब इसको गैस से नीचे उतार लेते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले इसमें फूल मखाने डालेंगे। अब इसको ऐसे चलाते हैं। ये देखिए फूल मखाने एकदम लाल हो चुके हैं। अब इनको बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे सारे निकाल लेने। ये देखिए फूल मखाने बाहर निकालने के बाद अब हम इसमें गूंद डालेंगे। इसको भी अच्छे से ऐसे चलाते हैं। ये देखिए एकदम फूल जाता, ऐसे चलाते रहते हैं। देखिए अभी देखिए गूंद जैसे फूल जाता, इसको भी घी से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए ऐसे सारा निकाल लेना। ये देखिए जाली के साथ ऐसे सारा निकाल लेना। अब ये देखिए गूंद बाहर निकालने के बाद अब हम इसमें कमरकस डालेंगे। ये देखिए ये भी थोड़ी फूल जाती है। ये देखिए अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूंठ, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। देखिए ऐसे। अब ये देखिए इसके बाद हम इसमें मगज डालेंगे। इसको भी ऐसे चलाते। अभी देखिए दो मिनट के बाद ये जो 500 ग्राम चने का पाउडर हमने बनाया था, अब इसको हम इसमें डालते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालना। ये देखिए, और ऐसे इसको बीच बीच में चलाते रहना। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सारा डाल देते और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब ये देखिए इस औषधि के अंदर ये बादाम का पाउडर भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए सारा डाल देते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए
और वीडियो देखते रहिए। इसके सेवन की विधि भी बताऊंगी जिससे कमजोरी और दुर्बलता दूर हो जाएगी। अभी देखिए इसको मिक्स करने के बाद ये फूल मखाने, ये देखिए इनको मैं ऐसे तोड़ लेती हूँ। ऐसे तोड़ना है हाथ से, अच्छे से टूट जाते हैं। ये देखिए इनका पाउडर बना लेना है। ऐसे फूल मखाने कमजोरी दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। देखिए ऐसे सारे तोड़ लेते हैं और ये देखिए फूल मखाने ऐसे तोड़ने के बाद ये देखिए एकदम पाउडर बन जाता है। अब इनको इसी में मिला देते हैं। देखिए इसको भी इसमें मिलाते हैं। इसको इसमें मिलाने के बाद अब ये देखिए गूंद जो हमने ये भी गूंद कर रखा, इसको भी ऐसे तोड़ लेते हैं हाथ से अच्छी तरह से। ऐसे बिल्कुल बारीक कर लेना। ये देखिए गूंद को ऐसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए घी निकल चुका है। अब इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। आप चाहते तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। अभी देखिए सारी सामग्री हाथ से ऐसे मिला देनी है और इसको ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद इसको किसी जार में डालकर रख लेना है। अब बात आती है इसके सेवन की, इसका सेवन कैसे करें जिससे शरीर की कमजोरी और दुर्बलता दूर हो जाए और जिससे आपका शुगर लेवल भी ना बढ़े। एक गिलास दूध के साथ 2 चम्मच सुबह और 1 गिलास दूध के साथ 2 चम्मच शाम को। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके शरीर की कमजोरी और दुर्बलता बिल्कुल ठीक हो गई है। आप इसका बेफिक्र होकर सेवन कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर बने रहे। जय माता दोस्तों।